व्हाट, ये क्या हो गया? व्हाट अ शॉक, ओ माय गॉड, ये क्या नो है? भूल भुलैया 4 में वो आ जाए तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो सारे लोगों से यही कहूंगा कि भाई अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो प्लीज आप मत बताइए किसी को, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए कि ये या क्या। हाउ आर यू? आम ओके, आई एम फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आपका ऑफिस है पीछे? जी, मेरा ऑफिस है ये, सो और ये ब्यूटीफुल. पीछे, ये देखिए, ये पीछे ये लगी हुई है मजनू मेरी भाई, मजनू मजनू भाई वाली भाई. पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, वो लगी है। गॉड, मैंने सोचा था कि मैं वेट करूंगी पूछने के लिए, बट अब मजनू भाई की नहीं पेंटिंग मैंने देख ली नहीं है, तो लेट मी आस्क, ये आइडिया कहाँ से आया? अरे कोई आइकॉनिक पेंटिंग का. आइडिया नहीं, ये आपको ईमानदारी बताओ, ये बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि क्या है, मैंने अपने असिस्टेंट से कहा था कि भाई कल अपने मजनू भाई की पेंटिंग का ऑक्शन करना है, और अच्छी 4 4 8 10 पेंटिंग लेके आइएगा ताकि उसमें एक सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो पेंटिंग, मतलब वो इतनी खूबसूरत सारी पेंटिंग थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मजनू भाई जिस लेवल के पेंटर हैं वो तो इस तरह की अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। और जी इत्तेफाक से थोड़ा सा मुझे वक्त भी मिल गया था, शूटिंग पे कुछ लाइट्स वगैरह चल रही थी तो जी 1 घंटा था, तो मैंने बोला लेट मी ट्राई यार। मैंने हालांकि कभी जिंदगी में स्कूल में भी पेंटिंग नहीं किया, आई एम नॉट अ पेंटर, बट यस मैंने बोला यार ट्राई करता हूँ। तो मैंने कुछ बनाया, घोड़ा घोड़ा बना दिया, बट वो मुझे इतनी कॉमेडी नहीं आ रही थी। फिर मैं बोला चलो इसके ऊपर एक और घोड़ा बनाता हूँ, वो घोड़ा बिगड़ गया। जैसे देख के मुझे तो हंसी आई, फिर मैंने लोगों से कहा कि भाई अगर ये पेंटिंग यूज करें तो कैसा रहेगा, तो जी सबने कहा नहीं नहीं सर कोई भी यूज कर लीजिए बट नॉट दिस। मैंने बोला क्यों, क्या है इसमें? तो वो हंस के खाली इतना ही बोलता, अरे सर ये क्या बनाया आपने। तो वो जो हंसना था उनका सबका देखकर, तो एग्जैक्ट दिस रिएक्शन आई वांटेड फ्रॉम माय ऑडियंस, एंड मैंने या बोला नहीं यही रखूंगा। तो ये इस तरह ऐसी मजबूरी में बनाई हुई इत्तेफाक से ऐसी जो है वो पेंटिंग है। मुझे लगता है कि जब डायरेक्टर परेशान होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए अभी मैं तो डायरेक्टर हूं, मैंने कभी जिंदगी में ब्रश तक हाथ में नहीं उठाया, बट यस ये पेंटिंग मैंने बनाई थी और फिर ये बड़ी मशहूर हुई मजनू भाई की पेंटिंग के नाम से, और आज इतने सारे मीम्स बनते हैं। तो यू नेवर नो कि आप कब क्या फिल्म बना रहे हैं और कहाँ पे ट्रू क्या हो जाएगा और क्या बन जाएगा। दैट, द रियल मजनू भाई तो यहाँ पे है, जिनका ये डिजाइन है, नहीं जिनकी पेंटिंग नहीं है. नहीं बिल्कुल. वो भी बहुत ग्रेट मजनू भाई है, और वो जो उन्होंने किया है काम वो तो खैर मतलब माशाल्लाह बहुत ही अलग काम। कमेंडेबल, कमेंडेबल. कोई कभी ऐसा सोच नहीं सकता कि किसी पेंटिंग को देख के किसी को इतनी हंसी आएगी. हाँ बिकॉज इट इज वेरी फनी ना, बहुत अजीब सी है, या क्योंकि ऊपर जो घोड़े के हैं वो आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ता कि गधा है ये, घोड़ा है ये, बकरी है ये, क्या है, लेकिन कुछ है ये। कुछ तो है, कुछ तो है, बट इट इज या एज आइकॉनिक एज योर फिल्म्स एंड एज मजनू जी भाई. सर, अभी रिसेंटली आपका बर्थडे निकल के गया है, मूवी भी रिलीज हुई है, दिवाली भी सेम थी, डे या तो फर्स्ट इतनी नवंबर को। सारी सेलिब्रेशंस एक साथ, जी हाउ जी वाज इट? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि क्या है कि पिछले साल 1.5 साल 2 साल से इस फिल्म पे मेहनत की है। आखिरी फिल्म ही मैंने बनाई थी भूल भुलैया 2, जिसे रिलीज हुए यस 2.5 साल हो गए, उसके बाद इसी पिक्चर में लगा हुआ था, इसी की स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था, फिर इसी की प्रोडक्शन चल रहा था, इसकी तैयारियां चल रही थी, इसकी शूटिंग, और फिर ये करके। और जब इतनी मेहनत करके अगर फिल्म अच्छी जाती है तो नेचुरली बहुत खुशी होती है ना कि चलो यार फिल्म बहुत हमारी कामयाब हुई एंड बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक्चुअली वी आर ऑल आर वेरी हैप्पी। डेफिनेटली, डेफिनेटली. 150 करोड़ प्लस, कंग्रेचुलेशंस. बहुत शुक्रिया। यूजुअली ना लोग कहते हैं कि हम कोई और फिल्म और आपकी फिल्म में से आपको चॉइस देते हैं, बट आपने इतनी आइकॉनिक फिल्म्स दी हैं, तो आपके जी लिए ना एक छोटी सी ना गेम है. मैं ना आपको आपकी फिल्म्स की चॉइसेस दूंगी एंड यू हैव टू चूज वन, ओके okay. ठीक है? क्योंकि आपकी फिल्मों की मतलब लिस्ट मैं बनाती रहूं तो फिर दूसरी तो आएंगी ही नहीं ना लिस्ट में. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हलचल और प्यार तो होना ही था, प्यार तो हो रहा प्यार तो होना ही था और दीवानगी. था दीवानगी, दीवानगी और थैंक यू. दीवानगी ओ, दीवानगी और नो एंट्री. नो एंट्री नो एंट्री और वेलकम. वेलकम वेलकम और वेलकम बैक. अ वेलकम। आई वेलकम और सिंह इज किंग. थिंक वेलकम, सिंह इज किंग भी बहुत अच्छी थी पर वेलकम, यस वेलकम और नो प्रॉब्लम. वेलकम नो प्रॉब्लम और रेडी, रेडी माय फेवरेट. रेडी और भूल भुलैया 2. भूल भुलैया 2 बिकॉज इट्स अ बिगर हिट।
डन यस, रेडी। भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3। थ्री 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 भूल भुलैया थ्री। सो आई थिंक भूल भुलैया 3 विंस, जैसे कि वो बॉक्स ऑफिस में जीत या रही है। सर आपको 45 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, एंड इट्स हाँ, बहुत 45 ज्यादा मत लाइफ। बोलिए। लोगों को लगता है कि अरे अभी तो यार कितना टाइम ही और काम करेंगे, बहुत एज हो गई, एज वेज कुछ नहीं। मुझे मुझे 4 ईयर 5 मंथ हुए हैं इस लाइन में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हम ऐसे 45 नहीं बोलते, हम बोलते हैं आपको 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ, चार चार पांच साल हो गए हैं जी मुझे यार, यस लेकिन हाँ वैसे 45 ईयर हो चुके हैं मुझे इस लाइन में। यस यस, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी ह्यूज, टच वुड। बहुत बहुत बहुत, और बहुत खुशी है कि ये 45 साल मुझे कभी भी मुड़ के देखना नहीं पड़ा। आफ्टर राइटिंग माई फर्स्ट फिल्म स्वर्ग, राजेश खन्ना गोविंदा, तो वो फिल्म मैंने लिखी, माशाल्लाह इतनी अच्छी गई। उसके बाद मैंने लिखी शोला और शबनम, फिर मैंने लिखी राजा बाबू, बोल राजा बोल, आंखें, दीवाना मस्ताना, लाडला, गोपी किशन, उससे शादी करोगी। तो फिर मैंने एक फिल्म लिखने के बाद कभी टचवुड मुझे काम के लिए ऐसा पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि अब क्या काम करूं। हमेशा मैंने चाहा कि मैं एक फिल्म करूं, और मेरे रास्ते में 3 फिल्में खड़ी थी। उसके बाद जब मैंने फिल्में बनाई तो मेरी पहली फिल्म थोड़ी ठीक गई नहीं थी, हमारी हलचल, लेकिन जब प्यार तो होना था बनाई, उसके जी बाद मुझे दोबारा कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि अब मुझे करना क्या है। हमेशा बिल्कुल, 2-3 फिल्में मुझे ऑफर हुई है, 4 फिल्में ऑफर हुई है, और उसमें से मुझे हमेशा ये रहा कि मैं एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आई एम, बिल्कुल इस तरह आप कह सकते हैं कि वेरी 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 फॉर्चुनेट पर्सन, बहुत लकी, एंड मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस का और सारे वो लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी पिक्चर को इतना सराहा है। ट्रू 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 दैट, ट्रू दैट। इतने सालों में व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन द सिनेमा, स्पेशली इन द इंडियन सिनेमा? नहीं, काफी चेंजेस तो आए हैं, अच्छाई के लिए भी आए हैं, कुछ बुराई के लिए भी आए या हैं। एंड मुझे लगता है कि जो चेंज है वो तो होता ही रहता है, और उस बिल्कुल चेंज के साथ इंसान को भी चेंज करना ही चाहिए अपने आप को। बदलाव जो है वो जिंदगी है, और जिंदगी में वो जो बदलाव होते हैं उसका, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी पहले हम जो फिल्में बनाते थे उसे 3-3 4-4 साल में बनाते थे, और हम शुरू 10 हफ्ते 2 हफ्ते में कर देते थे। अब हम जो है 1 साल मेहनत करते हैं पहले, और फिर फिल्म जो है हम लोग 4 महीने में 5 महीने में बनाते हैं। जैसे ये फिल्म मैंने बनाई, ये हमने एग्जैक्टली 5 महीने के अंदर खत्म की है। वाओ, इतनी बड़ी फिल्म हमने मार्च में शुरू की थी और नवंबर में खत्म कर दी, वाओ, तो बहुत फास्ट बनाई। एक मैंने फिल्म बनाई जैसे सिंह किंग, जो हमने 4 महीने में खत्म की थी, क्योंकि अभी जो फिल्म बनाने का है उसमें बहुत महंगा बहुत हो गया है, तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम प्लानिंग बहुत करते हैं, पहले बिना प्लानिंग के हम काम करते थे, अब प्लानिंग बहुत होती है, और फिल्म की शूटिंग के दौरान ज्यादा प्लानिंग कुछ नहीं होती, भाई ये करना है और ऐसे ही करना है। तो ये चेंजेस आए हैं, बाकी टेक्निकली हम बहुत इंप्रूव हुए हैं। आज मुझे लगता है कि एज ए राइटर हम जो भी सोचें उसे अचीव करना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसे सिर्फ प्लान करना पड़ेगा कि कैसे करना है। मुझे लगता है कि अगर आज से 20-25 साल पहले मैंने ये फिल्म बनाई होती भूल भुलैया 3, तो जैसे मैंने इसमें किया है स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल, वो शायद मैं नहीं कर पाता और उतनी खूबसूरत नहीं लगती। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा इश्यू आया है कि वी गॉट लॉट ऑफ लिबर्टी एज अ फिल्म मेकर, वी हैव लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, हम सोच सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी भी देखूँ ना, इट हैज इम्प्रूव्ड कितने सालों में, एंड BB3 की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, दैट इज वाओ, लेजिट वाओ। जी जी वी वर वेरी कॉन्शियस फ्रॉम द बिगनिंग, वी वांटेड टू माउंट द सेट, के एक सेट के ऊपर ये जो फिल्म है माउंट दिस फिल्म, बहुत बड़े लेवल पे हमें शूट करनी थी, और इसका एक कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन क्या पहनेगा। तो अगर आप गौर करें तो पिक्चर में ज्यादातर माधुरी जी और विद्या जी ने पूरी फिल्म में एक्सेप्ट द लास्ट सीन, वो उन्होंने कुछ ब्लैक एंड मरून, यही दो हमारे कलर्स थे, और वही फिल्म का नजर आता है। और तीसरा जो कलर था वो बिल्कुल चांदनी का, जो हम होता है चांदनी रात में हल्की सी ब्लूइश होती है, तो ये बिल्कुल, तीन ही कलर हमारी फिल्म में है, और इसी के हिसाब से हमने पूरा काम किया है, एंड लोगों को बहुत लुक भी पसंद आ रहा है। हमारे DOP ने बहुत खूबसूरत काम किया है, मिस्टर मनु आनंद ने, हमारे आर्ट डायरेक्टर जो है मिस्टर रजत पोदार, उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया है। सो एवरीबॉडी वाज वर्क वेरी हार्ड, एंड इट वाज प्लान्ड लाइक दिस फिल्म, कि हाँ इस तरह की हमें फिल्म देखनी है। यस यस ट्रूली।
एक जो फिल्म का जिसको कहते हैं ना कि पूरी फिल्म में सस्पेंस क्रिएटेड था कि मोंजुलिका कौन है, मोंजुलिका कौन है, एंड जब क्लाइमेक्स खुला, माय माय रिएक्शन वाज व्हाट, ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड. एग्जैक्ट दैट रिएक्शन वी वांटेड फ्रॉम द ऑडियंस कि वो एक्सपेक्ट करे ही नहीं, इसलिए हमने दो क्लाइमेक्स भी शूट किए थे। यहां तक कि फिल्म के अंदर जो एक्टर्स थे कई, उनको भी नहीं पता था। मुझे लगता है कि मेरे अलावा जो है कुछ 6-7 लोग थे जिन्हें ये मालूम था कि हम क्या क्लाइमेक्स कर रहे हैं, और हमने एक्टरों के साथ थोड़ा झूठ भी बोला था कि ये जो मास्क है इसके पीछे भी तब्बू आएंगे, इसके पीछे क्या आएंगी। कुछ लोग बोलते थे अरे हमें पता लग गया सर, ये अक्षय जी हैं और ये है, और बहुत मस्ती भी हमने की है शूटिंग पर। लेकिन यस, हमने कभी भी क्लाइमेक्स किसी से डिस्कस नहीं किया। लास्ट के 20 पेजेस स्क्रिप्ट के हम किसी को दिए ही नहीं, तो सारे एक्टरों को भी नहीं पता था। उन्होंने भी जैसे आपने रिएक्शन कहा, ये फर्स्ट डे फिल्म देखी एंड दे गॉट अ शॉक कि ओ माय गॉड ये क्या है। दैट एग्जैक्ट रिएक्शन वी वांटेड, और उसको अचीव करने के लिए हमने बहुत प्लानिंग की थी, बहुत स्क्रिप्ट रखी थी, बहुत मेहनत की थी, और उनको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, तो नोबडी न्यू द एग्जैक्ट क्लाइमेक्स। यहाँ तक कि हमने डबिंग वगैरह में भी जो है ना सिर्फ साउंड यूज किया था, वह पिक्चर किसी को दिखाई नहीं थी। वो बहुत 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 स्क्रिप्ट रखी थी हमने। पता लग रहा था. आप कह रहे हो कि दो क्लाइमेक्स थे, एक तो देख लिया, दूसरा कौन सा था? दूसरे तो मतलब ये है कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए था कि कभी भी कुछ भी कर रहे थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आधे से ज्यादा लोग तो सेट पे खाली रहते हैं, उनके एक्सप्रेशन ऐसे रहते थे कि हो क्या रहा है यार, अनीस भाई को हुआ क्या है। अनीस भाई बहुत क्लियर होते हैं हमेशा फिल्म बनाने में, एंड ही टेक्स एवरी शॉट वेरी क्लियरिटी के साथ कि ये करना है, बस इस बार थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं सबको कंफ्यूज रखा हुआ था, आई वॉज वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि भाई हमें क्या क्लाइमेक्स करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो सर इस फिल्म में ना मेरा एक पर्सनल डाउट है. मैंने ये फिल्म देखी एंड तृप्ति का जो कैरेक्टर है, कार्तिक का एक डायलॉग आता है, इसकी ठोटी तो तेरे से मिल रही है जी ना. तो मी एज एन ऑडियंस वाज एक्सपेक्टिंग, जैसे आजकल डबल क्लाइमेक्स का बड़ा हॉलीवुड का ट्रेंड यहाँ पे बॉलीवुड में भी आ रहा है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग लेजिट. मैं टाइटल ट्रैक के बाद, क्रेडिट्स के बाद बैठी हुई थी, मैंने कहा कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा अभी. तो ये जो तृप्ति का सस्पेंस है, क्या मैं कहूं भूल भुलैया 4 में खुलेगा? यार नेवर यू नो यार कि क्या बनना है, लेकिन यस आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज शूटिंग, सो तृप्ति आस्क मी कि अरे भाई ये जो मास्क है जो आई है लड़की, ये इसके पीछे कौन है। मैंने बोला देखो अभी तो यार क्लाइमेक्स का टाइम आ गया, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन प्लीज तुम दोस्त हो तुमको बताना पड़ेगा, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। बोले हाँ क्या। मैंने बोला ये तुम हो, एंड वो चौक क्या बात कर रहे हो। मैंने बोला देखो तुम याद करो तुम्हारे साथ सीन भी किया था टूटी वाला, वो सब किया बिल्कुल था। बोले हाँ, तो वो तो मैं चाह रहा था कि ऑडियंस को भी ये शक हो गया शायद माधुरी जी नहीं है शायद विद्या जी नहीं है, तो हो सकता है अगर दोनों नहीं है तो 100% ये तृप्ति ही होगी। तो बिल्कुल यही क्लियर करने के लिए हमने थोड़ा सा ऐसा सब रूप लिया था, विच इज सक्सेसफुल। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि वी थॉट कि यार ये तृप्ति होगी। जब वो डांस सीक्वेंस आया था, अमित जतमार, 1 मिनट एंड 43 सेकंड्स का जब बाहर आया था एक ग्लिम्स, देन मेनी पीपल थॉट कि नहीं, तृप्ति इतनी लंबी नहीं है, मे बी ये 11 हो सकती है. मतलब मे बी शायद पिक्चर ऐसे किया गया, मे बी ये कब एनी वन एल्स कैन कम. बट जब वो एक्चुअल क्लाइमेक्स आया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स, बट वो जब आया देन गूज बम्प्स. एंड एक्चुअली क्या है, जो डांस भी किया था और जो बाकी शॉट थे कई मरतबा ये आती है, वो हमने जो लड़कियां सिलेक्ट की थी वो जानबूझ के हमने क्या किया था, एक शॉट में हमने 5-5 वाली लड़की रखी थी, एक में 5-6, एक में 5-7, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमने अलग 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 हाइट से रखा था कि पब्लिक के जहन में ऐसा नहीं आ जाए कि यही एक हाइट है, कभी थोड़ा ठीक अजीब लगती है कभी अलग लगती है। तो इट वॉज अ लॉट ऑफ प्लानिंग गोज इन दिस कि भाई क्या करें है. हम लोग। यस तो यस हमने इस फिल्म के अंदर ये जो लड़कियां हैं वो हमने कुछ 7 सिलेक्ट की थी, और हर सीन में गॉड, हमने नई नई लड़कियां जो है स्टैब्लिश की थी और बनाई थी हमने। ये मतलब, बट या ट्रूली ट्रूली सर, जब क्लाइमेक्स बाहर आया ना, ऊपर से सोनू निगम जी का आमिर से तुम्हारा वर्जन, इज अ उफ. ग्रेट सिंगर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत डूब के गाया है।
आई रिमेम्बर जब वो गा रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था एंड आई कुडंट गो बिकॉज आई वाज शूटिंग, सो मुझे पूछ रहे थे वो क्या था कैसे, तो मैंने उनको फोन पे थोड़ा सा बताया था कि यार ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग है। तो सच अ नाइस थिंग कि वो पूरी फीलिंग के अंदर जो है डूबना चाहते थे, और जितना भी मैंने बताया वो तो अपनी जगह कम था, बट जो गहराई में डूब कर उन्होंने गाना गाया है, मैं तो गाना सुन के बहुत खुश हो गया। तो मैंने बोला यार जिस दिन ये गाना आएगा लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और देखिए आज वो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है गाना। पूरी फिल्म को आई रिमेम्बर ऐसा एक गाना लास्ट आया था ओम शांति ओम का, जो लास्ट वाला ट्रैक चलता है जब वो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट ही एक तरह से उस गाने में आ जाती है। सिमिलरली ये जो गाना है कितने टाइम बाद ऐसा आया है, आई वुड से, जो कि फिल्म की स्टोरी को दर्शा रहा है। जी, ये यस बहुत 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 यस अच्छा हुआ था गाना, आई एंड एम कुछ वेटिंग, थोड़ा इसकी प्यार वीडियो कब क्या आएगी बाहर? शूटिंग बहुत प्यार से किया था, बहुत खूबसूरत है। अभी तो क्या फिल्म अभी एक ही हफ्ता हुई है, लोग पहले देखे पिक्चर थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या क्या रिवील कर रहा है हमें। इट इज बिल्कुल टू सून टू स्पॉइल द फन ऑफ द यस मूवी। यस एंड आई नो कि मैं कैसे, वो जो स्पॉयलर्स है ना, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ। मतलब मेनी पीपल इन आवर ऑफिस हैवंट वॉच्ड इट एंड लाइक इट्स ओके पर लेट देम गो एंड नहीं, हमारे वॉच। हमारे हमारे यहाँ तो जो कोई ऐसे सस्पेंस पिक्चर देख के आते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे प्लीज डोंट रिवील द क्लाइमेक्स हाँ बिकॉज नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एंड मुझे लगता है कि जो लोग हैं समझदार, वो जो फिल्म देखना चाहते हैं वो पूछना भी नहीं चाहते, और जो बिल्कुल अच्छे समझदार लोग होते हैं वो ये भी जानते हैं कि यार फिल्म की ये बात जो है बतानी नहीं चाहिए। तो मैं तो सारे लोगों से यही कहूंगा कि भाई अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो प्लीज आप मत बताइए किसी को, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए कि ये क्या यस है। यस एंड ये देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं कुछ दिन पहले आफ्टर वाचिंग बीबी 3 मैं बीबी 2 दोबारा देख रही थी, एंड कैन यू इमेजिन बीबी 2 स्टिल हॉन्ट्स मी। या इट डज बहुत ही फिल्म, दोनों फिल्में अपनी जगह बहुत खूबसूरत बिल्कुल थी, और उसमें भी तब्बू जी ने बड़ा प्यारा काम किया था, कार्तिक ने बहुत प्रेम अच्छा किया था, हमारी ये गाओ तीनों जो पंडित ग्रुप थे दे वर अरे सुपर्ब। एंड इन दिस फिल्म आल्सो मिश्रा जी, हमारे संजय मिश्रा, राजपाल यादव, अश्विनी केजरीवाल, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, हमारी यस विद्या जी एंड माधुरी जी, इनका क्या कहना, बहुत कमाल। एंड कार्तिक एवरी जो बड़ी एंड तृप्ति तृप्ति एवरी वन वॉज आई थिंक ब्यूटिफुली डन देयर जॉब। ट्रू दैट ट्रू दैट। तो सर आपने इतनी सारी फिल्म्स बनाई है, कोई ऐसी फिल्म है जो आपने बार बार रीवॉच करी हो, अपनी फिल्म? मैंने मेरी कोई भी पिक्चर जब रिलीज हो जाती उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखी, इसलिए कि हाँ मुझे लगता है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और फिर बार बार देखते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपके कहीं ना कहीं उसकी परछाइयां रह जाती है, और जब आप नई फिल्म लिखने लगते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि वो चीजें कुछ आ जाती है। तो मैं वो फिल्में जब तक मेरी रिलीज हो रही होती है मैं 2000 बार देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, मुझे साउंड भी देखना है, मुझे वो स्पेशल इफेक्ट भी देखना है, मुझे कलर करेक्शन, वो मैं बहुत बार देखता हूँ मिक्सिंग में, एडिटिंग में। लेकिन एक बार जब फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना देखूं। कभी कहीं गए हैं दोस्त यार के यहाँ, घर पे टीवी पे कुछ चल रहा है तो थोड़ा बहुत देख लिया, बट आई डोंट प्रिफर टू वॉच माई फिल्म अगेन एंड अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेम्बर कि भाई मैंने कितना अच्छा काम किया, इसलिए अभी लगता भी है मुझे कि मैंने कुछ अच्छा काम तो किए मैंने। That's नहीं so नहीं sweet, but seriously, जो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे जब जितनी मैंने आपकी फिल्म्स देखी हैं, एंड आई कैन से दैट वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग योर फिल्म्स। सो फिर से वो वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, आई रिमेम्बर सिंग इज किंग यूज टू बी ऑन लूप, जब जब वो टीवी पे आनी है यूज टू वॉच दैट। इट तो वॉज अ ब्यूटिफुल अगर हम आपकी फिल्म्स देखें ना, तो वो ना ही हमारे को प्योर एक्शन है, प्योर रोमांस है, उसमें सब कुछ मिलता है, एक कंप्लीट पैकेज है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर योनर नहीं, तो ये अनीस बाज में योनर है? जॉनर है, बिकॉज क्या है मैंने लव स्टोरी भी की है, प्यार तो होना ही था, मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी बनाई है दीवानगी, मैंने कॉमेडी भी बनाई है, काफी सारी कॉमेडी बनाई है, यस नो एंट्री, सिंग इज किंग, फिर मैंने हॉरर में कुछ ट्राई नहीं किया था, मैंने इस बार हॉरर भी किया है, या भूलभुलैया 2 में भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, कामयाब हुई फिल्म, एंड भूलभुलैया 3 में भी। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि जॉनर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म, मैं कोई भी जॉनर की फिल्म बना सकता हूँ, मैंने हर जॉनर की फिल्म लिखी भी है, लेकिन फिल्म अच्छी हो, और मेरा यही कोशिश होती है कि जो लोग जा रहे हैं फिल्म देखने उनके बड़े मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, बहुत हार्ड एंड मनी है, और उसको मैं यार मतलब वेस्ट ना करूं, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं वो अपनी बहुत मेहनत करके
बहुत टाइम लगाकर, ये नहीं कि मैं अपने दो रुपए और ज्यादा कमाने के लिए मैं चार फिल्में कर रहा हूँ या तीन फिल्में कर रहा हूँ। आई प्रिफर टू अर्न लेस, कि भाई मैं कम कमाऊंगा, मैं 2 साल एक फिल्म में काम करूंगा, बट आई ट्राई टू गिव माई 100%। अब अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आपके ना जैसे फिल्म्स में यूजुअली हर फिल्म में जैसे मैंने देखी है वेलकम में अगर हम कहें तो वो सीन जब वो काट रहा होता है ठीक है, देन नो एंट्री में वो सैंपल है जब वो लटक रहे होते हैं, सिंगेस्ट किंग में जावेद जाफरी का कहीं कभी भी ब्लाइंड एक्ट करना, एंड ऑफ कोर्स भूलभुलैया 3 में वो विद्या बालन का जिसके अपने पोस्ट भी डाले हैं। तो जब आप ऐसे जी सीन्स क्रिएट करते हैं आप ये सोचते हो ये सीन तो वायरल हो जाएगा, कि जब फिल्म रिलीज होती है और ये सीन्स वायरल होते हैं ये क्या हुआ। नहीं, मैं वायरल के पॉइंट से कभी नहीं सोचता हूँ, और मुझे लगता है वो ऐसा सोचना अजीब भी लगेगा, लेकिन हाँ, मैं उस फिल्म के लिए बहुत ईमानदार और ट्रू रहता हूँ, उस कैरेक्टर के लिए बहुत ट्रू रहता हूँ, और मुझे जो सीन बहुत एक्साइट करता है, मुझे लगता है फिल्म में लोग आए हैं उनको मजा आना चाहिए, और मुझे जिस सीन में मजा आता है वो जी मैं करता हूँ। एंड ये एक अच्छा वो है कि हिट हो वो इतने जाता है वायरल जाते हैं, बहुत सारे मेरी चीजें जो है वायरल हुई मेरी फिल्मों की, और वो चल रही है, एंड बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वो हिट हो ही जाता है, मतलब अनीस बाजमी ऑनर द ए बी ऑनर वो हिट हो जाता है। सर अभी जैसे काफी फिल्म्स में है कि उनके अगर कोई पुराने पार्ट्स होते हैं तो उनके एक्टर्स वापस अगले पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि विद्या बालन जी बैक इन जी BB3 ठीक है, दो शी वॉज इन BB2, एंड क्या हम अक्षय कुमार जी को भूल भुलैया के आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि अक्षय जी सबसे पहले तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी और दूसरी बहुत ही कमाल एक्टर हैं, नंबर तीन बहुत बड़े स्टार हैं, ये बिल्कुल तीनों चीजें हैं, और लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर भूल भुलैया 4 में वो आ जाए तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। इससे एक चीज और पता चल गई है कि भूल भुलैया 4 भी आएगी। देखिए, अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ, अभी फिलहाल तो वी आर जस्ट इंजॉइंग द सक्सेस ऑफ भूल भुलैया 3, एंड उसके बाद आई थिंक दिस डिपेंड्स कि भाई क्या कहानी बनती है, क्या नहीं बनती, और क्या हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो ये सोचते हैं कि अनीस को करनी चाहिए, अगर करनी वो ऐसा चाहिए, सोच ऑडियंस आई कहती डोंट है। नो भूषण साहब ने तो क्या भूल भुलैया बोलूं। 2 के टाइम ही बोल दिया था कि भूल भुलैया 3 करना है, I've seen that video। या तो अगर वो चाहेंगे कि मैं करूं, और अगर अच्छी कहानी बनी तो आई लव टू डू, अदरवाइज कुछ और करूंगा, कोई काम मेहनत करूंगा। बिल्कुल एक काम करते हैं हम भूषण सर को ना लेटर्स लिख देते हैं, मेल्स लिख देते हैं, प्लीज भूल भुलैया 4, क्योंकि हमें तृप्ति का सस्पेंस भी जानना है और अक्षय कुमार भी चाहिए भूल भुलैया 4 में। जी। तो सर 3 अगर हम देखें ओवरऑल तो भूल भुलैया के 3 पार्ट्स आ चुके हैं ठीक जी। है, 2 उसमें से आपने डायरेक्ट करे, एक प्रियदर्शन सर ने किया था जो तो एक क्लासिक बन चुकी है, यू वुड अग्री टू दैट बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। असली मोंजुलिका कौन है? एक तो इतनी सारी मोंजुलिका आ गई, असली मोंजुलिका कौन? असली मंजुलिका जो है, भी हम चौथी भी बनाते हैं फिल्म, अगर चाहे कोई भी बनाए, पांचवी छठी, आई थिंक ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बन सकती है कि इसके ऊपर 10 फिल्में बनाई जा सकती है। मैं तो कम से कम इस तरह का सोच रखता हूँ, और सोचता हूँ कि इससे बेटर, इससे बड़ी फिल्म जो है चौथी बने, फिर पांचवी बने, एंड बनती ही चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आपने डायरेक्ट किया है, मैं सभी एक्ट्रेसेस का कुछ का नाम लूंगी एंड आपको उनको एक एक वर्ड में बेस्ड ऑन द टैलेंट एंड द ब्यूटी बताना है ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटरीना कैफ। She is stunning, beautiful, मल्लिका शरावत, good artist, कियारा आडवाणी, both, तबू, extraordinary. उसके लिए कोई लफ्ज नहीं मैं बोलूंगा, बिकॉज सारे लफ्ज छूटे। शी इज माई फेवरेट, एंड शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ डैम गुड एक्ट्रेस एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। द आइकॉनिक श्रीदेवी जी, ओ, आइकॉनिक, वो तो जो है उसे कुछ माधुरी भी करवा। दीक्षित, ट्रू माधुरी माधुरी दीक्षित, दीक्षित तो इस फिल्म के अंदर, मुझे लगता है कि इतनी खुशी मुझे पर्सनली हुई है माधुरी जी एंड विद्या जी के साथ काम करके। तो माधुरी जी का मैं हमेशा फैन रहा हूँ, इतनी फिल्में उनकी देखी है, क्या गाने और क्या क्या सीन,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, एंड आई थिंक शी इज डैम गुड, बहुत खूबसूरत लगती है फिल्म में हमारी, और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तो इनके लिए भी एक वर्ड में कहना, इनकी ब्यूटी जो है वो थोड़ी सी ना कंजूसी हो जाएगी। बिल्कुल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद्या बालन, द ओजी मंजुलिका। शी इज ओजी, एंड जो विद्या जी कर सकती है आई डोंट थिंक सो एनी बडी कैन डू एनी करी एनी बडी कैन मैच। और इस फिल्म के अंदर इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और उसके बाद ये छाप छोड़ना कि माय गॉड विद्या जी ने क्या किया है, इट इज अ बिग अचीवमेंट। जो इन्होंने डांस किया है माधुरी जी के साथ, माधुरी जी तो अपने आप में ही बहुत बड़ी वाओ, डांसर, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शी हरसेल्फ इज अ डांस, बट उनको जो मैच किया है और जो मेहनत की है विद्या जी ने, मैं उस मेहनत के लिए उनको सलाम करता हूं हमेशा, कि कितना मतलब कितना खूबसूरत दोनों ने मिलकर गाना किया है। उन दोनों की वो तो जुगलबंदी है ना, जो जो भी देखेगा ओह वो कहेगा कथक हो रहा है, वो दूसरी साइड भरतनाट्यम हाँ, हो रहा है, भरतनाट्यम हो रहा एंड है वो ब्यूटी उसको स्क्रीन पे लेके आना, और पूरी मूवी या देखते देखते सोनू निगम के वर्जन तक पहुंचना, एंड लिसनिंग टू द लिरिक्स की मेरे दर्द की धुन, ठीक है, आज तक आमिर हाँ है तुम्हारे, मेरे प्यार की धुन, और मेरे ये प्यार की धुन, मेरे एंड दर्द वो की धुन, प्यार से दर्द, इट हाँ बहुत मेक्स अच्छा इट लिखा ऑल समीर साहब ने। हार्टफुल। समीर साहब ने, मुझे याद है जब मैं ये गाना लिखना था, मैंने समीर साहब को फोन किया और मैं किसी राइटर के बारे में सोचा नहीं, मैंने समीर साहब को बुला लिया ऑफिस। समीर साहब को मैंने बताया कि सर ये देखो ऐसा 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 है, समीर साहब बहुत इमोशनल हो गए, एंड उन्होंने जो गाना लिखा है, वाह 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 वाह, वो बिल्कुल समीर साहब जैसे बड़ा राइटर ही लिख सकता था वो गाना। बिल्कुल सर। सो सर, बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, एक क्वेश्चन जो मेरा है कि अभी तक हमने आपकी फिल्म्स में ना रोमांस सिर्फ गानों में ज्यादा देखा है, ठीक है, बाकी पूरी मूवी में क्योंकि हर इमोशन मिलता है, तो हर अपसाइड डाउन चलता रहता है कि हर इमोशन हम देख लेंगे अनीस बाजमी जी की मूवी में। तो अगर आपको कोई फुल फ्लेज रोमांटिक फिल्म बनानी हो, तो उसके अंदर कौन से दो एक्टर्स को आप यूज करेंगे, एक एक्टर एक एक्ट्रेस, द फ्रेश पेयर, जो मे बी शायद अभी तक ना आए हो, एंड आप उनकी केमिस्ट्री और उनको ऑन नहीं, स्क्रीन, मैंने 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 एक फिल्म बनाई थी जो सिर्फ और पूरी प्यार भी थी, प्यार तो वो नहीं था। नहीं अभी अभी इंडिया मैं करंट एक अभी करंट में, अभी मैं एक फिल्म लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वो रोमांटिक फिल्म है, प्योर पूरी रोमांटिक पिक्चर है, मैं उसमें नया लड़का और नई लड़की लेना चाहता हूँ। ओह सर मैं दे दूं ऑडिशन। नहीं, माशाल्लाह आप भी अच्छी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा सर, आपने अभी मेरे साथ 10 मिनट बात करी है, तो आप मुझे देख के बताओ क्या मैं आपकी किसी फिल्म के किसी कैरेक्टर में हो सकती हूँ फिट, कोई फिल्म जो मैंने कर ली है ऑलरेडी या उसमें, हाँ जी अच्छा तो उसमें अब रेडी पिक्चर में जो एक हमारी यंग भाभी थी ना, जो बड़ी विलेनों को गालियां देती है, मैं आपको वो जरूर रोल दे देता उसी वक्त। ठीक है सर, फिर रेडी टू मैं ऑडिशंस दे देती हूँ। बट सर, इट वॉज लवली 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 टॉकिंग टू यू, बहुत सेम अच्छा, हियर मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पल, बहुत अच्छा, थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज, थैंक यू, थैंक। एंड इट वॉज तो मुझे वेरी बहुत रियल। अच्छा लगा आपसे बात के पर, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस फॉर यू ऑलवेज, और अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे बात सो मच करके, सर, और थैंक यू सो थैंक मच, एंड आई रियली होप कि हम बहुत जल्दी वो मजनू यू, भाई की इंशाल्लाह पेंटिंग को अपने घर इंशाल्लाह में लेके आ सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑप्शन प्लीज, ओके थैंक यू सो मच ओके। सर।